दोस्तों, अगर आपने भी एक नया नया YouTube चैनल बनाया है और वीडियो अपलोड करने के बाद सिर्फ 4 से 5 व्यूज पर ही अगर आपकी वीडियो पर व्यूज रुक जा रहे हैं तो यार आप गलती क्या कर रहे हो यार। कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा है। आखिर YouTube आपकी वीडियो को रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है? आखिर YouTube आपकी वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्या गलती हो रही है? दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं तुरंत ही चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार भी दोस्तों अपने चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग को ऑन नहीं करते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है आपके चैनल्स की, आपकी वीडियोज़ की। जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे, जब तक आप उसको सही तरीके से सेट नहीं करोगे, तब तक यूट्यूब को कैसे पता चलेगा यार कि आपकी वीडियो को किस ऑडियंस को दिखाना है, आपकी वीडियो को किस कंट्री में दिखाना है, आपकी वीडियो को देखने वाली जो ऑडियंस है वो कहाँ है, आपकी वीडियो को किस वीडियो के नीचे रिकमेंड करना है, सजेशन में डालना है, ये सब YouTube को कैसे पता चलेगा जब तक आप सेटिंग ऑन नहीं करोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वो YouTube की सारी सेटिंग सीखने वाले, जितनी भी YouTube की सेटिंग है दोस्तों A to Z हम सब कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने भी एक नया चैनल स्टार्ट कर रखा है तो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। YouTube की सारी सेटिंग आज आपको बताने वाला हूं। सारी सेटिंग देखो और जाके अपने चैनल पे अप्लाई करो, फिर वीडियो अपलोड करके देखना। आपके वीडियो पे जरूर 100% दोस्तों कुछ ना कुछ व्यूज इंक्रीज जरूर होगा। और अगर आप ये सेटिंग सही तरीके से कर लोगे तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपकी वीडियो 100% दोस्तों वायरल भी होंगी। तो यार अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो यार एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यार ये जो YouTube की इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये मिलेगी कहाँ पर। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं यार कि सेटिंग होती कहाँ पर है, ठीक है। तो यार जो जितने भी न्यू यूट्यूबर उनको बता दें कि सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे वहाँ पे टॉप पे जाकर लिखना है, यहाँ पर studio.youtube.com लिखना है। आप में से काफ़ी यूट्यूबर ये गलती करते हो, क्या करते हैं कि स्टूडियो लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ सजेशन में आपको यहाँ पर कुछ लिंक इस तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडियो डॉट, इस यहाँ पर स्पेस लगा हुआ है, तो काफ़ी लोग यार ये जो रिकमेंड होता है इसी पर क्लिक कर देते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ और पेज खुल जाता है, फिर आप कहते हो अरे यार आपका तो सेटिंग कुछ और खुल रहा था, हमारा कुछ और खुल रहा है। तो यार आपको यहाँ रिकमेंड, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिकमेंड करता है यहाँ पर स्पेस लगा हुआ रहता है, तो आपको पूरा लिखना रहता है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वहाँ पर studio.youtube.com, ठीक है। इतना लिख कर आपको दोस्तों यहाँ पर ओके कर देना, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपके सामने जो YouTube चैनल है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना कि आपने जो नया चैनल बना रखा है जिस पर आप काम कर रहे हो ये वही चैनल है ना, उस चैनल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर सेटिंग का लोगो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने जो पेज ओपन होकर आ रहा है यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट YouTube की सेटिंग मिलेंगे, बाकी और भी मिलेगी, सारा सेटिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है वो काम ये करना दोस्तों कि आपको अपना चैनल का लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आपका चैनल है कहाँ का। यार YouTube को पता जब चलेगा कि आपका चैनल किस कंट्री का है तभी तो यार आपकी वीडियो को उस कंट्री में रिकमेंड करेगा। हो सकता है कि यार आप अगर आप इंडिया से वीडियो बना रहे हो, अगर आपने वीडियो को इंडियन को दिखाना चाहते हो तो आपको अपना चैनल का जो मतलब जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा चैनल जो है इंडिया का है, तो YouTube आपकी वीडियो को इंडिया के लोगों को दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला जो सेटिंग है वो है कि आपको अपने चैनल का कंट्री सिलेक्ट करना होता है। ये आप यहाँ से कर सकते हो, आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा चैनल लिखा हुआ, ठीक है। चैनल पर क्लिक करना, यहाँ पर बेसिक इन्फो के अंदर दोस्तों आपको देख सकते हो यहाँ लिखा कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करना और अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना इंडिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ये सबसे पहला काम है, ये आपको 100% करना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा फीचर एलिजिबिलिटी लिखा हुआ, ठीक है। आप यहाँ फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना, इधर साइड में आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 3 सेटिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर जो कि पहले से इनेबल है, सेकेंड वाला दोस्तों इंटरमीडिएट फीचर और थर्ड है एडवांस फीचर। ये दोनों को भी दोस्तों आपको इनेबल करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये जो सेकेंड है इंटरमीडिएट फीचर है अगर आप इसको इनेबल कर लोगे दोस्तों तभी दोस्तों आपका चैनल वेरीफाई होता है। आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर अटैच करना होता है, वेरीफाई करना होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर लिखा वेरीफाई फोन नंबर, आपको यहाँ पर क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको अपना मोबाइल नंबर लिखने का, अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देना, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आप फिल कर देना। अब आपका चैनल वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे थे उन वीडियो का दोस्तों आप थंबनेल चेंज कर सकते हो, मतलब ऊपर जो फोटो लगाते हैं ना इन फोटो को आप चेंज कर सकते हो, प्लस आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, 15 मिनट से लंबी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी कर लेना, ये जो दूसरी सेटिंग थी हमारी, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे आपको यहाँ पर शो करेगा एडवांस फीचर वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको भी इनेबल कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ दिखेगा SS फीचर, यहाँ पर क्लिक करना है और आप चाहो तो अपना वीडियो वेरिफिकेशन से आप अपने आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों दोस्तों आपको वेरीफाई यहाँ से कर लेना है। तो आप यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिए और अपने आपको यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, अपने चैनल को वेरीफाई
मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इतना दोस्तों आपको कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले सेटिंग की। अब दोस्तों आपने जो भी चैनल बना रखा है, अपने चैनल का जो भी नाम रखा है ना, उस नाम को दोस्तों पहले आप जाके YouTube पे सर्च करना, देखना आपका चैनल दोस्तों सर्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपकी वीडियो भी सर्च में आने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आपकी वीडियो YouTube रिकमेंड भी नहीं करता है, आपकी वीडियो दोस्तों सजेशन में भी नहीं आता है, आपकी वीडियो सर्च में नहीं आता है। तो ट्राई करना कि आपका चैनल पहले सर्च करने पर शो करने लगे। कैसे शो करेगा दोस्तों सर्च करने पर, तो वो भी एक सेटिंग है, आपसे पहले इसको भी सीख लो। आप दोस्तों जब यहाँ पे चैनल पर सेलेक्ट किए थे तो यहाँ बेसिक इन्फो में दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा कीवर्ड्स लिखा हुआ, ये आपके चैनल का कीवर्ड होता है। आपका चैनल का दोस्तों जो भी आपने नाम रख रखा है उस नाम को दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना रहता है। अगर आपने चैनल को नाम को यहाँ पर लिख लोगे, अच्छे तरीके से लिख लोगे, इसको तोड़ तोड़ कर लिखना रहता है, और जो भी आपके चैनल का नाम है उसको स्मॉल लेटर में लिखो, फिर कैपिटल लेटर में लिखो, यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आप इसको सेव कर लीजिएगा। अब जब इतना कर लोगे उसके बाद दोस्तों अपने चैनल का नाम आप सर्च करना, आपका चैनल दोस्तों 100% सर्च में आने लगेगा। बट हाँ, तुरंत ही करने के बाद ही सर्च करोगे तो नहीं आएगा, एक से दो दिन आपको वेट करना पड़ता है, एक दो वीडियो अपलोड कर देना, आपका चैनल सर्च में आने लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले सेटिंग की। यहां पर लिखा है दोस्तों एडवांस फीचर, आपको यहां पर क्लिक करना है। एडवांस फीचर के अंदर दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। मतलब अगर आप कोई ऐसा कंटेंट बनाते हो जो सिर्फ छोटे बच्चे देखेंगे, जो किड्स देखेंगे, अगर आप उनके लिए वीडियो बनाते हो तो दोस्तों आप यहां पर यस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यस पे कर लेते हो तो आपकी वीडियो दोस्तों बड़े लोगों को रिकमेंड नहीं की जाएगी, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे देखेंगे आपकी वीडियो, और आपकी वीडियो का जो कमेंट है दोस्तों वो भी ऑफ हो जाएगा, कोई कमेंट भी नहीं कर पाएगा। बट काफी लोगों को पता नहीं रहता और यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेते हैं, फिर कहते हैं यार हमारे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे वीडियो बड़े लोग देखें, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करना रहता है। तो नो पर जरूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब आप वीडियो अपलोड करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर नो पर सिलेक्ट करोगे तो आपकी वीडियो यूट्यूब बच्चों को रिकमेंड नहीं करेगा, बड़े बड़े लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो वो लोग आपकी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और कमेंट भी कर पाएंगे आपकी वीडियो पर, ठीक है। तो ये सेटिंग जरूर से कर लेना, यहाँ पर नो पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले सेटिंग्स की। आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड डिफॉल्ट का, ठीक है। अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग्स की, इसके अंदर चले जाना, इसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर दोस्तों एक लाइसेंस है, तो लाइसेंस में तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखना है, यही रखना है, ठीक है, ये रखे रहना। बगल में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कैटेगरी, ये दोस्तों बता रहे हैं कि आप जो वीडियो अपलोड करने वाले हो, आपके चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड होगी वो किस कैटेगरी की है, आपका चैनल किस कैटेगरी का है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है पहले ही। ऐसा नहीं है कि आपने चैनल पे किसी भी तरह का वीडियो अपलोड कर दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसे करोगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड कहीं नहीं करेगा, तो आपको एक नीच लेकर चलना पड़ता है, एक कैटेगरी डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस तरह की वीडियो अपलोड करने वाले हो। सिर्फ गेमिंग वीडियो अपलोड करोगे, या फिर सिर्फ अगर आप कुकिंग वाले वीडियो अपलोड करते हो, किस तरह की वीडियो अपलोड करते हो आपको पहले यूट्यूब को बताना पड़ता है, इससे बहुत फायदा होता है दोस्तों। अब मान लो दोस्तों कि अगर हमारा चैनल गेमिंग का है तो गेमिंग यहाँ पर हमको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये पता चलेगा कि यार ये जो चैनल की जितनी भी वीडियो है ये सब गेमिंग वाली वीडियो है। तो जो भी गेमिंग वाले जो वीडियो देखते होंगे, गेमिंग व्यूवर्स जहाँ भी होंगे, उनके पास दोस्तों आपके यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा, उनको आपकी वीडियो को दिखाएगा। अगर आप कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा यार कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी का है, किस बंदे को आपकी वीडियो को दिखानी है, ये सब यूट्यूब को आप ऐसे ही तो बताओगे। तो यार आपको भी यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट जरूर से कर लेना। अगर कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करोगे यार तो यूट्यूब खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि आपकी वीडियो को कहाँ सजेस्ट किया जाए, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी वीडियो को यूट्यूब आसानी से रिकमेंड कर सकेगा, वो समझ जाएगा हाँ यार ये गेमिंग वीडियोज है, ये कुकिंग वाले वीडियोज है, तो वैसे ऑडियंस को ढूंढ के वो रिकमेंड करेगा, वरना किसी और के पास रिकमेंड कर देगा, वो देखेगा ही नहीं और आपकी वीडियो पर व्यूज 4-5 व्यूज पर ही रुक जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आप। अब बात करें दोस्तों अपने अगले सेटिंग्स की। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर है आपका वीडियो लैंग्वेज, आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है ये भी आपको YouTube को बताना पड़ेगा। अब मान लो यार कि अगर मैं हिंदी में बोलकर वीडियो बनाता हूँ और मेरी वीडियो को अगर YouTube अमेरिका में अगर मतलब रिकमेंड करे, या फिर इंडिया में रिकमेंड करे, जो लोग सिर्फ इंग्लिश वीडियो देखते हैं उनको रिकमेंड करे, तो क्या हमारी वीडियो देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो यार उनके पास क्यों रिकमेंड हो हमारा वीडियो? हम नहीं चाहते यार हमारा वीडियो उनके पास जाए जो इंग्लिश वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? अपने वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो हमें यहाँ पर वीडियो जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। इससे फायदा क्या होगा? YouTube अब हमारी वीडियो को सिर्फ उनके पास रिकमेंड करेगा, सिर्फ उनको दिखाएगा हमारी वीडियो जो लोग सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। ये जो सेटिंग थी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, ये तो आप 100% कर लीजिएगा। बट दोस्तों अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, वो क्या है दोस्तों? आप यहां पर जब आओगे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइजेशन का, ठीक है। आप यहां पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर लेआउट में आप ध्यान से देखो यहां पर क्या चीज है। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है यहां पर वीडियो स्पॉटलाइट पर। एक है दोस्तों यहां पर लिखा है, पहला वाला जो ऑप्शन है यहां पर लिखा है कि चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड योर चैनल, ठीक है ना।
जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहली बार अगर आपके चैनल पर विजिट करते हैं उनको ये वीडियो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर दो वीडियो आप लगाने का ऑप्शन मिलता है, एक पहला वाला ऑप्शन है एक दूसरा ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन में अगर आप कोई वीडियो को सेट कर लेते हो तो सिर्फ वो बंदे आपकी वीडियो को देख पाएंगे जो आपके चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किए। अगर आपके चैनल पर विजिट करेंगे पहली बार तो उनको वीडियो शो करेगा। अगर दूसरे वाले ऐप पर अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो सेट करते हो तो ये वीडियो सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। अब दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद जैसे अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको वहाँ पर एक टॉप पर एक वीडियो शो करेगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको यहाँ पर ये वीडियो शो करेगा, ठीक। जैसे अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक और वीडियो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो ये आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप कौन सा वीडियो अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। तो लोग गलती क्या करते हैं कि उनके जिस वीडियो पर व्यूज़ आता रहता है, जिस वीडियो पर डेली कुछ ना कुछ व्यूज़ आ रहा है, उसी वीडियो को ला के यहाँ पर सेट कर देते हैं। अरे भाई, जब इसी वीडियो से लोग ऑडियंस, इसी वीडियो से तुम्हारे चैनल पर डेली लोग नए नए लोग आ रहे हैं, आप उसी वीडियो को यहाँ पर सेट कर रहे हो। अरे जिस वीडियो से लोग डेली आपके चैनल पर आ रहे हैं उसको यहाँ पर सेट नहीं करना है, उस वीडियो से तो लोग आपके चैनल पर विजिट कर रहे हैं। यहां पर आप उस वीडियो को सेट करो जो लगता है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है बट उस पर व्यूज रुका हुआ है, उसको यहां पे सेट करो, क्योंकि आपके जिस वीडियो से डेली व्यूज आ रहे हैं वहां से तो व्यूवर आपके चैनल पे पहुंच रहे हैं। जैसे ही आपके चैनल को ओपन करेंगे यहां पर वो वीडियो उनको दिखना चाहिए जिस वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, तो वहां पर ये क्लिक करके आपकी वीडियो को देखेंगे, तो यहां पर आपको अच्छा खासा व्यूज मिलेगा। तो यार तरीके से आप यहां पर सेट कर लेना, एक वीडियो उनके लिए जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और एक वीडियो उनके लिए जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर से कर लीजिएगा। अब बात करें दोस्तों अपने अगले सेटिंग्स की। अगला सेटिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर लिखा है ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों यहाँ पर आपको अपना चैनल का लोगो लगाना, दूसरा है दोस्तों आपको यहाँ पर बैनर लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मान लो आपने कोई एक अच्छी वीडियो बना रखी है और लोग जैसे आपकी वीडियो देखने के बाद आपके चैनल पर विजिट करते हैं, देखते हैं यार वहाँ पर आपके चैनल पर कोई लोगो ही नहीं है, कोई बैनर ही नहीं लगा है, तो उसे बहुत अजीब लगता है, उसे आपका चैनल प्रोफेशनल नहीं दिखता है, तो यार आपके चैनल को सब्सक्राइब भी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक अच्छे चैनल को लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं। सारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप भी सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, ठीक है। तो यार अगर आपका चैनल दिखने में अच्छा लगेगा तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर आपने चैनल पर एक अच्छा बैनर लगाते हो, एक अच्छा लोगो लगाते हो, तो यार इससे आपके चैनल की लुक आती है, ठीक है ना। लोग को लगता है कि यार एक अच्छा चैनल है, आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, वरना आप कहोगे यार कुछ व्यूज़ तो आ जा रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो कारण ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने चैनल पर एक अच्छा सा लोगो और एक अच्छा सा बैनर लगाकर आप इसी जगह से इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक इन्फो, ठीक है। यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपने चैनल से रिलेटेड आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप अपने चैनल पर क्या क्या काम करते हो, अपने चैनल पर आप कब कब वीडियो अपलोड करते हो, सारा चीज दोस्तों आपको यहां पर लिखकर रखना है, ताकि जब भी कोई भी व्यूअर आपके चैनल पर विजिट करता है, जैसे ही वो अबाउट सेक्शन में जाए, वो जाकर वहां पर डिटेल में पढ़ ले कि यार इस चैनल पर उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर उसको लगता है यार हाँ मैं इस तरह का वीडियो देखता हूँ और इस तरह की वीडियो ये चैनल अपलोड करने वाला है, इतने बजे अपलोड करेगा, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसी तरह का वीडियो देखता है और आप उस तरह की वीडियो अपलोड करते हो, टाइमिंग भी आपने बता रखा है, तो उस वक्त तैयार भी रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख देना, इतना जरूर कर देना। प्लस दोस्तों यहाँ पर ऐड लिंक लिखा है, ऐड लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अगर आप अपने टेलीग्राम का लिंक देना चाहते हो, इंस्टाग्राम का देना चाहते हो, फेसबुक का देना चाहते हो, ट्विटर का देना चाहते हो, सब कुछ आप दोस्तों यहाँ पर सेट कर देना, ठीक है। इससे ये फायदा होता है कि अगर वो बंदा मतलब बात करना चाहता है, आपको फॉलो करना चाहता है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएगा, इंस्टाग्राम पे कहीं भी जाकर दोस्तों आपसे बात कर सकता है। इनसे भी यार व्यूअर को बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ यार इस बंदे ने अपना सोशल मीडिया दे रखा है तो मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए वो आपकी वीडियो को और भी देखते हैं और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। इन सबसे बहुत फायदा होता है यार। यूट्यूब को भी लगता है यार इस चैनल पर वो सारे सेटिंग्स कर रखा है इस बंदे ने, सारा अपना लिंक भी दे रखा है, सोशल मीडिया का लिंक दे रखा है, ये एक जेन्युइन बंदा है, ठीक है। तो इन चैनल्स की यार जो वीडियो है ना वो यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है, ज़्यादा उसकी वीडियो पर व्यूज भी आते हैं यार, क्योंकि वीडियो ज़्यादा रिकमेंड होती है। आप ये सारा सेटिंग्स एक बार अच्छे से करके देख लो, उसके बाद आप वीडियो अपलोड करो, 100% दोस्तों आपके जितने वीडियो पर व्यूज अभी आ रहे हैं उससे तो ज़्यादा व्यूज आने वाला है, कन्फर्म दोस्तों इतना आने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपने ये सारा सेटिंग कर रखा है यार, इतना सब कुछ कर रखा है, इसके बावजूद आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करो और जाके देखो कि यार सारा सेटिंग कर लिया है, अब क्या किया जाए, और भी कुछ है करने के लायक, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को देखो और ये वीडियो यार लाइक करके जाना, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।